नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। नसीराबाद से हमारे संवाददाता रोहित जैन की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के झड़वासा के करीब हाईवे पर 8 लाख की लूट की वारदात का पर्दाफाश रविवार को पुलिस ने किया। जानकारी के अनुसार रामनगर अजमेर निवासी सतीश त्रिपाठी ने सदर पुलिस थाना नसीराबाद को रिपोर्ट दी। सतीश का कहना है कि वह कुरियर और माल सप्लाई का काम करते हैं और काम के कारण अजमेर से विजयनगर रोजाना उनका आना जाना लगा रहता है। 17 जनवरी को सतीश विजयनगर से 8 लाख रुपए एक थैले में डालकर टेम्पो की कैबिन में रखकर अजमेर के लिए रवाना हुए। झड़वासा के करीब 2-3 मोटरसाइकिल पर सवार नकाबपोश आए और टेम्पो के आगे बाइक लगाकर टेम्पो को रुकवा लिया। खबर है कि उनके हाथ में लकड़ी और हथियार थे। टेम्पो रुकते ही उन्होंने सतीश को पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पैसों का थैला निकालकर वे फरार हो गए। सतीश के मुताबिक उस थैले में हिसाब किताब का लेखा जोखा भी था, जिस पर उसने नसीराबाद सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना की जानकारी मिलते ही नसीराबाद सदर थाना अधिकारी राजेश कुमार एवं उनकी अधीनस्थ टीम ने घटनास्थल से विजयनगर हाईवे तक के लगे सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और सीसीटीवी फुटेज में कैद संदिग्ध व्यक्तियों के चेहरों के आधार पर तलाश शुरू की। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर एएसपी घनश्याम शर्मा, डीवाईएसपी पूनम भरगढ़ और सदर पुलिस थाना अधिकारी राजेश कुमार मीणा व अधीनस्थ टीम ने कार्रवाई करते हुए लूट के प्रकरण का पर्दाफाश किया और अपराधी भीम खान, नवीन, गोविंद और चेतन को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण में 3 और मुलाजिमों की गिरफ्तारी करने की कार्रवाई जारी है। धन्यवाद। जी सर, जी सर, जैसा कि आप सभी को विदित है कि 18 तारीख को, 18 इसी माह की 18 तारीख को झड़वासा चौकी के आगे एक टेम्पो चालक से, जो कि कॉरियर का काम करता था, उससे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट करी गई। लूट में 8.5 लाख रुपए करीब ले जाना बताया गया। अपराधी बाइक्स पर आए थे तथा सबने अपने चेहरे वगैरह ढके हुए थे। पुलिस के लिए ये घटना एक चुनौती थी। दरअसल इस तरह की घटनाएं पूरे समाज पर प्रभाव डालती है और इससे, इस तरह की घटनाओं से आम जनता में भय व्याप्त होता है। इसको पुलिस ने एक चुनौती के रूप में लिया। इस घटना का कोई डायरेक्ट साक्ष्य नहीं होते हुए भी हमारी टीम ने, जो हमारे श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन पर, तुरंत इसमें कार्रवाई शुरू की गई। हमारे सीओ साहब के नेतृत्व में हमारे सीआई साहब और इनकी टीम द्वारा रात दिन एक करके इसमें साक्ष्य एकत्रित की गई और इस घटनाक्रम से जुड़े हुए सभी 7 व्यक्तियों को नामजद किया गया। 7 में से 4 व्यक्तियों को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको न्यायालय में पेश करके रिमांड प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक हमारी टीम ने बाकी के जो अभियुक्त 3 जो अभी फरार हैं उनको भी दस्तियाब के आसपास वो पहुंच गए हैं, शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस घटनाक्रम में हमारे जो है, मैं विशेष तौर पे हमारे जो सीआई साहब राजेश जी हैं उनके बारे में आपको इतना सा बताना चाहूँगा कि पुलिस के बारे में कई बातें होती है, परंतु इस घटनाक्रम में आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उसी दिन आपने अपना अवकाश, शुक्रशुदा अवकाश, जो अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर जाने वाले थे, तुरंत उसको निरस्त किया और रात दिन इस काम में लग गए और इस घटना को खोलकर ही अंजाम दिया। ये इनकी और इनकी टीम बधाई के पात्र है। इनके जो है, हमारे यहाँ पे पूर्व में भी 2 हमारे जवान थे जिन्होंने ब्लाइंड मर्डर खोला था, जिनमें एक श्रीराम और एक कालू था। उन दोनों ने इस टीम में लग के और बहुत ही मेहनत करके इसमें सफलता प्राप्त की है और